जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कृपया इनको ध्यान से आप पढ़ें। ये आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी स्टेट पुलिस जैसे हरियाणा पुलिस या SSC के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला करंट अफेयर आज का है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जनवरी 2021 को एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मालवाहक रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। यह 306 किलोमीटर लंबा है और ये दो जगह को जोड़ेगा, हरियाणा का रेवाड़ी और राजस्थान का मदार, जो कि अजमेर में पड़ता है, इन दोनों के बीच बनाया गया है। फिर दूसरा न्यूज है, भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन भारत में लगाई जानी शुरू हो गई है 15 जनवरी 2021 से। ये वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, यानी जो हमारी हेल्थ वर्क, जो हमारी हेल्थ के लिए जो काम कर रहे थे, डॉक्टर, नर्स या सफाई कर्मचारी या हेल्थ, जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, उन सबको सबसे पहले दी जा रही है। और दो प्रकार की वैक्सीन भारत में अभी लगाई जा रही है। पहली है कोविशील्ड, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। दूसरी है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। ये वैक्सीन काफ़ी देशों में भी इसकी डिमांड है। अभी रिसेंटली काफ़ी देश में भारत ने यहाँ से सप्लाई की है। फिर थर्ड न्यूज है खेल से संबंधित। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया। अभी 2-3 दिन पहले ही ये टेस्ट मैच खत्म हुआ था। ये सीरीज का नाम था बॉर्डर गावस्कर सीरीज, और चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये सीरीज 2-1 से जीती। अगली न्यूज है, 20 जनवरी को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी नए चुने गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने शपथ ली है 20 तारीख को, 20 जनवरी को, और ये 46वें राष्ट्रपति हैं। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45वें राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति होंगे। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक, दूसरी रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन का आपसे पूछा जाए कैंडिडेट कौन था, तो डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक के हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी कमला हैरिस चुनी गई है, ये भारतीय मूल से संबंधित है, यानी भारत की है ये। पांचवी न्यूज है, भारत में बर्ड फ्लू के, आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि बर्ड फ्लू से काफी पक्षियों की मौत हो रही है, तो बर्ड फ्लू का फैलने का पूरा आसार है, पक्षियों में तो काफी केस मिले हैं। इसका वायरस आपसे पेपर में पूछ सकता है, बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, एवियन फ्लू भी बोलते हैं इसको, एवियन फ्लू। तो वायरस इसका जरूर याद रखना, बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1। फिर अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जन्मदिवस मनाया जाएगा। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है और 125वां जन्मदिवस इसी साल यानी 2021 को मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था, 1897, 23 जनवरी के दिन। अगली न्यूज है, लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, ये इंडियन आर्मी के यानी थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और ये अभी नए वाइस चीफ होंगे। 31 जनवरी के बाद वाइस चीफ का पद संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका के नए रक्षा मंत्री हैं जनरल, ये रिटायर्ड हैं, लॉयड ऑस्टिन बनने जा रहे हैं। ये 2016 में US आर्मी से रिटायर हुए हैं और अभी ये रक्षा मंत्री होंगे। तो कई बार पेपर में पूछ सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है अमेरिका का, तो वो होंगे लॉयड ऑस्टिन। अभी पार्लियामेंट से वहाँ परमिशन लेनी बाकी है, उसके बाद शायद ये चुने जाएंगे रक्षा मंत्री पद के लिए। तो ये दोस्तों 8 न्यूज हैं इस वीडियो के लिए। ये वीडियो को आप सुने और इससे इम्पोर्टेंट जो भी या न्यूज आपको लगती है वो आप उसको नोट डाउन करें। थैंक यू, जय हिंद।